फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल जल्दी से, झटपट तरीके से। तो मैंने आज बनाया है सोया चाप करी, और ये करी ना बिल्कुल अलग है, बाकी सब जो करी हम बनाते हैं नॉर्मल से बिल्कुल अलग है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैं एक कढ़ाई गरम कर लेती हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल का, और इसको थोड़ा सा गरम होने देते हैं। साथ में मैं यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। तो अब जब ये भून लेते हैं आप देखेंगे थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे तेज पत्ता डाल रही हूँ 1, और इसको भी मैं भून देती हूँ। गैस की आंच आप बिल्कुल मीडियम हीट पे करेंगे। 4 से 5 मैं यहाँ पे काली मिर्ची के दाने डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने डाली है 1 बड़ी प्याज, और इसको भी मैं इस तरीके से भून लेती हूँ। प्याज अच्छे से भुन जानी चाहिए ताकि उसका जो कच्चापन है वो ना रहे। तो अब आप देखेंगे प्याज भुन गई है। 1 हरी मिर्च मैंने बड़ी वाली इसमें डाल दी है, ऐसे ही मैंने डाल दी है फिलहाल, और इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो अब आप देखेंगे हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब हम यहाँ पर बड़े टमाटर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, तो यानी कि 1 प्याज और 2 टमाटर, इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो जब ये इस तरीके से भुनेगा, मुझे इतना चाहिए होगा कि ये जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। अगर आपके पास काजू है तो आप काजू डाल सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी वर्जन है, नारियल का बुरादा आप ज़रूर इसमें ऐड करें, तो बिल्कुल अच्छा सा रिच सा टेस्ट आ जाएगा, आपको काजू डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास भर के पानी डाल देती हूँ, और इसको अब मैं ढक्कन लगा के पका लूँगी जब तक ये पानी पूरा ड्राई ना हो जाए। तो अब आप देखेंगे पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है जो भाप से निकल जाएगा, और जो टमाटर हैं वो इस तरीके से गल गए हैं, अच्छे से गल चुके हैं टमाटर। इसको अच्छे से आप तोड़ लीजिए, मैश कर लीजिए, और अच्छे से भून लेते हैं इसको। तो अब आप गैस बंद कर सकते हैं और इसको ठंडा करके पीस लेते हैं। तो ये एक तरफ आप पीस लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सोया चाप डाल दी थी, इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। यहाँ मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, उसी कढ़ाई में ही मैंने यहाँ पे सीधा सोया चाप डाल दी है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक ऐड किया है, और इसको मैं ऐसे ही ड्राई, जैसे होता है ना ड्राई रोस्ट करना, वैसे ही मैं इसको कर लूँगी। तो जो भी मसाला बचा जाएगा, बच गया है, वो सारा इसके ऊपर लिपट जाएगा। तो बस ये हल्का सा ऐसे ड्राई रोस्ट हो जाए, हमें इतना ही इसका टेक्सचर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप देखेंगे ये हो गया है इस तरीके से, अच्छे से रोस्ट हो गया ना, गोल्डन कलर आ गया है इसमें, ये हो गया है डन। अब हम इसको निकाल के रख लेते हैं, और उसी कढ़ाई में ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा चटकने देते हैं। 1 चुटकी मैंने मेथी दाना ऐड किया है इसमें, और अब गैस की आँच बिल्कुल लो कर देंगे हम, और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर का, और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाले का,
और इन सारे मसालों को आप अच्छे से चला लेंगे। तो जब आप तेल में इस तरीके से मिर्च मसालों को पकाते हैं तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और रंग भी बहुत अच्छा आता है। तो उसके जलने से पहले जो हमने यहाँ पे टमाटर प्याज इसको भून के पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तब आप कलर देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसके अंदर, एकदम बिल्कुल सुनहरा सा। बाकी का जो भी मसाला है वो भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है इसलिए मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे मैंने एक छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लगे आपको या हो सकता है कम लगे, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ मसाले को। तो अब देखेंगे ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। लास्ट में मैं यहाँ पे चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे पानी ही डाल देती हूँ 1 कप। तो मैंने उसी ब्लेंडर में ही 1 कप पानी डाला, थोड़ा सा चला लिया पानी, जो ब्लेंडर में जितना भी बचा हुआ था वो सारा उसमें आ गया और इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसके साथ साथ डाल देंगे यहाँ पे सोया चाप जो हमने हल्की सी सौते करी थी और इसको इसमें मिला देते हैं। तो ये कलर देखते ही बन गया एकदम अच्छा सा, बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है इसके अंदर। ये दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़बरदस्त सा लगेगा। तो बाहर के कोई मसाले यूज़ नहीं करे हैं और घर के मसालों से ही बन के रेडी हो गया है। 1 कप और मैंने पानी इसमें ऐड किया है और अब मैं ढक के पका लूँगी इसे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी एकदम बढ़िया सी सोया चाप करी, जो बिल्कुल झट से बन गई है, घर के सामान से ही बन गई है, बाहर का कोई सामान हमने यूज़ नहीं किया और एकदम नॉर्मल तरीके से बनी है। लेकिन जो इसका स्टाइल है बनाने का वो बिल्कुल अलग है। तो रेसिपी पसंद आए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।